जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक खरीदे गए हैं उससे, उन सब की जानकारी 6 मार्च तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। नेक्सस है ये जो गठबंधन है पूंजीपतियों का और सरकार का, ये स्पष्ट आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 11,000 करोड़ से ज्यादा पैसा अकेले बीजेपी के पास में गया है। इसमें से जो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में ईवीएम के संबंध में, उन पर भी इसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि ये जो फैसला है ये और ईवीएम का फैसला दोनों लगभग जुड़े हुए ही हैं। दोनों के दोनों इस सरकार द्वारा पैसा और सत्ता को हड़पने की कोशिश इन दोनों के माध्यम से की गई है। साथियों, आज दो विषय हैं, दोनों बहुत गंभीर विषय हैं, लेकिन मैं पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उसके विषय में हम लोग बात करना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और जजेस हैं, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया है। और फैसला बहुत स्पष्ट फैसला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने के लिए जो कानून बनाया गया वो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। जो इनकम टैक्स एक्ट में उसके लिए संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और जो उसके लिए कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है, और साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में जो संशोधन किया गया था वो भी असंवैधानिक है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इन सबको असंवैधानिक घोषित किया है, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये जानने का हक है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कंपनी या कौन पूंजीपति पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, ये जानने का उसको हक है। इसलिए जो आदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है, और आदेश में कहा गया है कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड आज तक खरीदे गए हैं उससे, उन सब की जानकारी 6 मार्च तक हर सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। सारा बताए कि किस कंपनी ने कितने कितना खरीदा, और उसके बाद में वो किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक बताए। और साथ में एक और बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी है कि 13 मार्च तक, यानी जैसे ही SBI से उसे जानकारी मिले उसके 1 हफ्ते के बाद तुरंत बताए, अपनी वेबसाइट पर डाले, पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कंपनी ने, किस पूंजीपति घराने ने, किस पूंजीपति ने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदे के रूप में दिया है। ये सारी की सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से अपने फैसले में आज कोर्ट ने कही हैं, और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये लोगों को जानने का अधिकार है। इसमें आप कुछ चीज छुपा नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिस उद्योग घराने ने, जिस औद्योगिक घराने ने, जिस पूंजीपति ने, जिस कंपनी वाले ने पैसा दिया है, सरकार बनने के बाद सरकार ने उसको लाभ क्या क्या पहुंचाया है, तभी तो पता लगे कि ये जो नेक्सस है, ये जो गठबंधन है पूंजीपतियों का और सरकार का, ये तभी पता लगेगा। ये जानना हर किसी का हक है, देश के नागरिकों का हक है। ये स्पष्ट आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने
दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उसको गैर संवैधानिक घोषित किया है साथियों। और इस विषय में मैं समझता हूँ हमारे भाई महमूद पराचा जी और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। हालांकि ये जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है, हम कोर्ट को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, देश की जनता निश्चित रूप से आभार व्यक्त करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी है उन सब का आभार। लेकिन ये फैसला भी बहुत देर से आया है क्योंकि इस बीच में 15,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को गया है, जिसमें 72% से ज़्यादा पैसा, बल्कि अब तो और भी ज़्यादा जो बाद के समय में दिया गया, वो अकेले बीजेपी के पास में गया। यानी 11,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अकेले बीजेपी के पास में गया है इसमें से। सो फैसला हम सब उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि जो फैसला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में आया है वही फैसला जो पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में ईवीएम के संबंध में, उन पर भी इसी तरह का फैसला आएगा। क्योंकि ये जो फैसला है, ये और ईवीएम का फैसला दोनों लगभग जुड़े हुए ही हैं, दोनों के दोनों इस सरकार द्वारा पैसा और सत्ता को हड़पने की कोशिश इन दोनों के माध्यम से की गई है। तो वही फैसला जो एडीआर की पिटीशन पड़ी है और जो पिटीशन पड़ी है उस पर ईवीएम के सिलसिले में आए, ताकि ये नेक्सस जो बना है और सत्ता को हड़पने की जो सारा षड्यंत्र है वो टूटे और लोगों के सामने इस देश के लोकतंत्र को बचाने का एक अच्छा मौका मिले। लोग अपनी इच्छा से जिसको चुनना चाहते हैं, जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट दें, उसको चुने और एक निष्पक्ष सरकार चुनकर आए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।